हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और हमारी छोटी सी ब्लॉग में। 5-6 दिन बाद ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। शायद मैंने नाइट वाला ब्लॉग अपलोड किया था, तब से आज ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। खैर कोई नहीं, कंटिन्यू ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल मैं अपनी खेतों की तरफ आया था, खेतों की तरफ। आप देख सकते हो मैं खेतों में ही खड़ा हूँ, इधर आप देख लीजिएगा लोकेशन। और मैं गेहूं के खेत में खड़ा हूँ। यहाँ पे फाइनली क्या था कि मैं खाद फेंकने आया था, आपको दिखा सकता हूँ। ये खाद भी है, इनमें देनी पड़ती है, अगर नहीं दोगे तो फिर भाई फली वगैरह जो फूल होता है ना, बाली गेहूं में आती है तो वो धमाकेदार नहीं आती है, मतलब काफी मजेदार नहीं हो पाती है, इसलिए भाई खाद वगैरह देनी पड़ती है। और आप पीछे भी देख सकते हैं, काफी बेहतरीन लोकेशन है भाई साहब, देखिए क्या गजब नजारा है। तो अगर हमारे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हो, सपोर्ट करो यार, हमारी फैमिली का एक शानदार हिस्सा बनो, ताकि हम भी आप लोगों के लिए काफी कंटिन्यू ब्लॉग लाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों को देसी लाइफ स्टाइल दिखाएंगे, गजब सब कुछ होगा। यहाँ से देखो भाई गेहूं के खेत, भाई दबा के आप देख सकते हैं। इधर पीछे देखिए लाही, ये पकने वाली है, फाइनली ये पक ही चुकी है लगभग। अगर धूप 2-4 दिन और ऐसे ही निकल जाए ना, तो भाई साहब ये माइक कटने लग जाएगी, फिर बंजर हो जाएगा। और बंजर वाला माहौल भी हम आप लोगों को दिखाएंगे यार, कहीं जात हो रहे ना रहे हैं, यहीं पे रहेंगे, ब्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए, है ना। तो हरे से लेकर जले तक का सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। खैर पहली बात आप देखो, पहले पीछे देखो भाई, गांव और देहात का नजारा ही अलग होता है। देखो पसीना आ गया है खाद डालते डालते, है ना, ये देखो आंखों पर काफी ज्यादा पसीना आ गया है। तो हमने भी सोचा चलो लगे यहाँ तो यार एक ब्लॉग चेप लेते हैं, है ना। तो अच्छा किया या बुरा किया मुझे बताइएगा, आपको ब्लॉग हमारा कैसा लगता है ये भी बताइएगा। भाई देसी लोग, देसी लौंडे भाई, देसी ब्लॉग बनाएंगे, है ना, अभी कहीं ट्रेवल वगैरह नहीं। फाइनली क्या है भाई, हकीकत तो बात ये है कि मुझे शर्म लगती है यार कहीं पे माहौल जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा मैं जब अकेला होता हूँ तभी कोई ब्लॉग शूट करता हूँ। और धीरे धीरे आप यार चाहोगे ना तो ये शर्म वर्म सब साली खत्म हो जाएगी, एक तरफ हो जाएगी, क्यों भाई, ऑडियंस आएगी, प्यार मिलेगा आपका, तो हमें आपको देखना है। आप देख सकते हैं हाथों की भाई जो खाद जमी है ना, ये बर्फ जो ये देखिएगा भाई साहब, पक्का भाई तुम्हारा किसान बन गया है, नंबर एक का किसान बन गया है। और कटाई वटाई जब करेंगे तब भी दिखाएंगे आप लोगों को, तो सपोर्ट बनाए रखो, आपका प्यार बना रहेगा मेरे भाई, तो बहुत कुछ बना रहेगा और चैनल पे भी बहुत कुछ बना रहेगा। चैनल आपको आगे बढ़वाना है, आपको, आप देख रहे हो ना, आपको आगे बढ़वाना है यार, पूरी मेहनत करनी है आपको भी, तो ये ब्लॉग शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करवाओ ज्यादा से ज्यादा, जितने लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं उन सबको सब्सक्राइब करवाओ। जब सब्सक्राइबर होंगे ना तो व्यूज अपने आप आएंगे भाई, और लाइक भी कर दिया करो, देखते हो तो हो ही, डाटा तो जा ही रहा है, तो अगर लाइक भी कर दोगे, मेरी तारा खुजली लग रही है भाई, देखो ये बर्फ जमी है हाथों पर ना, तो खुजली लग रही है, अरे इसको पहले हम साफ कर देते हैं। गेहूं के खेत भाई ये देखो, जो मटर है ना पनीर में डाल के खाते हो मटर पनीर, तो वो पेड़ आपको दिखा दूं मैं, ये होता है उसका पेड़, देखो है ना शानदार भाई आपका यार, जान जानदार चीजें दिखाएगा आपको भाई, ब्लॉग के नाम पे तमाशा थोड़ी ना होगा। ये देखो ये फूल आ गए हैं इसमें, बाजार में जब आना बंद हो जाता है ना मटर, तब हम लोगों के यहाँ भाई फिर कटा मटर मिलता है, कटा का मतलब अन्ना। खेत देखो आप, यहाँ से देखो पूरा का पूरा देखो आप, ये देखो भरा पड़ा है भाई, जब बाजार में आना बंद हो जाएगा ना तो हम लोगों को यहाँ चालू होगा, फिर हम लोग बिंदास बनाते हैं मटर वटर जो भी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं भाई, देसी खाने का तो एक अपना अलग ही मतलब स्वाद है और एक रौब है अलग, है ना। तो भाई कर देना सपोर्ट और आगे से भाई अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊंगा, और आप लोगों को पता है वो चीज दिखाऊंगा, और बहुत सारी चीजें वो दिखाऊंगा जो आप भूल चुके होगे, सच बता रहा हूँ भूल चुके होगे, अगर गांव देहात के होगे तो भूल चुके होगे। अभी यहाँ पे सामने देखो भाई, अरहर बोलते तूर, ठीक है, तो उसकी ये दाल वाल वगैरह बनती है, उधर वो पेड़ है देखो सामने, मतलब खेत है भाई बिंदास, बहुत अच्छा, वहां से जुड़े काफी रिलेटेड फैक्ट आप लोगों को बताऊंगा भाई, है ना। तो यार बस बंद करते हैं, फिर मौका मिलेगा तो कल ब्लॉग बनाएंगे, तब तक सपोर्ट बनाए रखिए, यहाँ पे याद रखिए, कसम खाइए, चैनल सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब कर लेना, कर लेना, कर लेना, बाय बाय।